मेरे साथ राशिद अहमद सिद्दीकी साहब थिंक टैंक को चलाते हैं, कराची बिजनेस फोरम के सदर हैं। वो कहते हैं कारोबार फौरन होना चाहिए, किसी के साथ भी होना चाहिए, इंडस्ट्री को ट्रेड को आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप सबसे सीनियर हैं, आप क्या कहते हैं, ट्रेड इंडिया से होना चाहिए नहीं? ट्रेड इंडिया से बिल्कुल होना चाहिए। ये एफटीएमआई वाले मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को तबाह करना चाहते हैं। इनका मोटिव ये है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या वैल्यूएटेड इंडस्ट्री जो है इनकी वजह से खत्म हो जाए। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। जो है वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक अगर धागा में पाकिस्तान में मिल रहा है या हमारी स्पिनिंग मिल दे रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये ले रहे हैं 4-4, 5-5 हज़ार रुपया पर बैग का अजाफी प्रॉफिट। ओहो, इनको प्रॉब्लम ये है कि अगर अजाफी प्रॉफिट इनका खत्म होगा तो ये उसी लेवल पे आए। इंडिया से यार्न लेना या किसी और मुल्क से लेना, इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त फ्रेट सर्विस जो है वो उसके रेट जो है दुनिया में इंक्रीज कर गए हैं। हाँ। जो चाइना से पहले $1,200 में हमें कंटेनर आ रहा था वो आजकल $4,000 में कंटेनर आ रहा है जी। या तो गवर्नमेंट उसको सबसे डाइज कर रहे हैं, हम दुनिया से कहीं भी यार्न ले लें, इंडिया को लाजमी नहीं है। इंडिया से इसलिए कह रहे हैं कि वाघा बॉर्डर के थ्रू 3 दिन में यार्न जो है पाकिस्तान में पहुंच जाएगा। ओहो। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी फील्ड चल रहा है, जो भी रेट चल रहा है इस वक्त, क्लोज हुआ है न्यूयॉर्क 94 न्यू 87 सेंटीमीटर, रुई की प्राइसेस नीचे आई हैं पिछले एक हफ्ते में, 92-94 से नीचे आ गई हैं, अब 86-87 के ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से अगर यार नहीं आएगा तो वैल्यूएटेड चेन इंडस्ट्री है जितने बाहर हमारे पास आए वो सारे टूट जाएंगे और इनको कम से कम 100 मिलियन। इंडिया से जोय सलामत साहब कह रहे हैं इंडिया से ट्रेड होना चाहिए, सिद्दीकी साहब कह रहे हैं इंडिया से होना चाहिए, आसिफ नाम साहब कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। मैं न्यूज ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद वापस आते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए इस ब्रेक के बाद। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर रही है और दिसंबर 2020 में $2.5 बिलियन की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हुई है और इस वक्त कॉटन नहीं है, यार्न नहीं है और इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं, एप्टमा के चेयरमैन आसिफ इनाम कहते हैं कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान से किसी सूरत नहीं लेनी चाहिए। अब वही हिंदुस्तानी कॉटन यार्न घूम के मस्कत जाती है और मस्कत से पाकिस्तान आती है, किसी और मुल्क जाती है और मुश्किल से ली जा रही है। तो ये डिबेट चल रही है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, चौधरी सलामत अली बहुत सीनियर बिजनेस टाइकून है वो भी मौजूद हैं, अख्तर इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया है जो कि साबिक सदर है नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जोन के। अख्तर इस्माइल साहब आप क्या कहेंगे, एक बात है आसिफ इनाम साहब की कि इंडिया से ट्रेड नहीं होना चाहिए, सलामत साहब कह रहे हैं फौरन होना चाहिए, थिंक टैंक के सदर है राशिद सिद्दीकी साहब वो कहते हैं फौरन बिजनेस होना चाहिए, किसी के साथ भी हो बिजनेस होना चाहिए। आप इंडस्ट्री को लीड करते रहे हैं, कर रहे हैं अभी भी, आप क्या कहेंगे, सनते अपना एक्सपोर्ट बंद कर दें, इंडिया से लड़ाई करते रहें, एक्सपोर्ट ना लें, उनसे कॉटन यार्न ना लेकर आए, बॉर्डर या वाघा ना खोलें, क्या कहते हैं आप? अख्तर इस्माइल, अख्तर साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई। मैंने आपसे सवाल किया कि क्या करना चाहिए हमें, अख्तर साहब आपको आवाज आ रही है? अख्तर इस्माइल साहब को शायद आवाज ठीक नहीं जा रही है। चौधरी सलामत अली साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं चाह रहा था अख्तर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं, उनके पास आवाज ठीक नहीं जा रही है। ये जो मामला है हुकूमत को क्या करना चाहिए, कुछ दिनों पहले रजाक दाऊद साहब ने ऑनलाइन एक जूम कॉन्फ्रेंस की, उसमें सनतकारों से राय ली और अक्सरियत ने यह कहा कि हमें अपने बिजनेस को देखना चाहिए, हुकूमत ने क्या फैसला किया था उसके बाद, किया था उसके बाद? चौधरी सलामत अली साहब, कहा था कि हम सी ट्रेड खोल देते हैं, कॉटन यार्न इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल तबाह हो रही है। जी सर, वैल्यूएटेड इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि यार्न को आ रहा है, यार्न इंडिया का अभी भी आ रहा है लेकिन वो आ रहा है तो पहले जाता
फ्रेट उधर जाता है, उससे के बाद पाकिस्तान आता है, तो उसके ऊपर जो फ्रेट की लागत है वो ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 4-5 हजार डॉलर कंटेनर का बढ़ जाता है। उसके बाद कराची आएगा, कराची से 1,000 रुपये तो वो इंक्रीज हो जाता है। हम चाहते थे कि ये जो धागा इनडायरेक्ट आ रहा है उसको रोक कर वाघा बॉर्डर के थ्रू क्यों ना ले लिया जाए। वाघा बॉर्डर के थ्रू आप लेंगे तो 2-3 दिन में आपके पास यार्ड पहुंच जाएगा और उसके ऊपर इतनी कास्ट नहीं आएगी। इस वक्त फ्रेट की कास्ट बाई सी की बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, पूरी दुनिया में हुई है। तो फ्रेट वाघा बॉर्डर के थ्रू आएगा यार्ड तो हमारे लिए ये आसानी होगी कि उसकी कास्ट जो है वो नीचे आ जाएगी। हमारा प्रॉब्लम इस वक्त कास्ट का है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलाम साहब, एक चीज और बताइएगा, मैं आपकी बात समझ आ गई और ये बात राशिद साहब भी मान रहे हैं और जो दोस्त आएंगे उनसे भी पूछ लेंगे। इससे पहले रसूल बख्श शहीद साहब से बात हुई थी, वो भी इस तरह की बात कर रहे थे, लेकिन आसिफ इनाम साहब जो कि चेयरमैन है एप्चुमा के, उनका एक सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको भी सुनना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि दिसंबर में 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई, हुकूमत पाकिस्तान ने जश्न मनाया कि हमने इतनी एक्सपोर्ट कर दी है सिर्फ एक महीने में। ये बताइए 2021 में अब तक ये जो 2 महीने 2.5 महीने गुजरे हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी रही है चौधरी सलामत अली साहब? फरवरी में 4% डाउन है जी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की और मार्च में और डाउन हो जाएगी। अगर यही तरीका चलता रहा तो ये 2 बिलियन से नीचे आ जाए। हम इतनी मेहनत के साथ जो हमने इंटरनेशनल बायर को पकड़ा है, जो इतने ब्रांड आने शुरू हुए हैं पाकिस्तान में, वो सिर्फ एप्टामा की वजह से खराब होंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये मेरा नोट कर। अच्छा आसिफ इनाम साहब, जॉय साहब, मैं आसिफ इनाम साहब से इनका जवाब ले लूं, एप्टामा की वजह से कैसे खत्म हुई यार? इतनी कैलकुलेशन तो करो, जो आदमी कह रहे हैं कि मैं इंडिया का यान वाया ओमान ले आता हूं, हम यही तो कह रहे हैं सेल टैक्स की चोरी शुरू होगी। आप मुझे बताएं कि इस वक्त 10,000 टन यान आ रहा है, उसमें से कितना ड्यूटी और सेल टैक्स पेड आ रहा है? फैसलाबाद में कितने परसेंट लोग रजिस्टर्ड है? हम तो कह ही रहे हैं इंडिया से ये चोरी का रास्ता बंद हुआ है उनकी अपनी गलती की वजह से, उन्होंने अपने पांव पे गोली मारी। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, इनकी गोली इनके पांव से हम निकाल देते हैं, हम जख्मों पे मरहम रख लेते हैं। यहां पे मैं ईश्वर साहब कहना चाहूंगा, आसिफ इनाम साहब, मैं राशिद सिद्दीकी साहब का भी पॉइंट ले लूं आपके इस पॉइंट पे। जी राशिद साहब, नंबर वन तो ये है कि जो 17% सल्टेज आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जब वो अगर यान इंपोर्ट करेंगे तो अगर वो सेल टैक्स पे भी करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि रियल टाइम उनको सेल टैक्स वापस हो जाएगा। मसला यान महंगे सस्ते का नहीं है। हाँ। मसला ये है कि अगर आपकी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट डिक्लाइन भी होगी ना, तो जब आपके पास यान नहीं होगा, जब आपके पास कॉटन नहीं होगा। गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको बता दें अगर आप वीडियो यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। करते हैं वीडियो पर बात। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जो व्यापारी हैं, वो व्यापारी वर्ग भारत से डिमांड कर रहा है कि बॉर्डर खोलें और फिर से जल्द हो सके तो व्यापार चालू करें। आपको बता दें पाकिस्तान में इस समय व्यापार की हालत काफ़ी खस्ता है और पाकिस्तान में कपास और गेहूँ की फसल बिल्कुल भी ख़राब हुई है। मतलब वहाँ पे ये सिचुएशन आ चुकी है कि वो कपास और गेहूं की फसल बाहर से बुलवा रहे हैं। बाहर से मतलब आप समझ सकते हो, बाहर से यानी चीन से या तो सेंट्रल एशियन कंट्री से। तो अब ये सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान में और ये जो चीज़ें बुलवाई जा रही हैं काफ़ी महंगी हैं। तो कपास की फसल से जितने भी जो बिजनेस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब या तो बंद हो रहे हैं या तो फिर उन पे मतलब पैसा लगाना पैसा बर्बादी के बराबर हो रहा है। अगर भारत के साथ वो व्यापार चालू नहीं करते हैं तो ये सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान का व्यापारी वर्ग चाहता है कि जल्द से जल्द हो सके तो भारत के साथ व्यापार चालू हो और भारत से जो उन्हें सस्ती कपास है, सस्ते ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के साथ उन्हें मिलेगी। तो इस तरीके की मतलब रिक्वेस्ट आ रही है पाकिस्तान से। और दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत से एसेंशियल चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं ले रहा है। मतलब एसेंशियल चीज़ें देना एक भारत की मजबूरी है, जैसे दवाइयाँ होती हैं वो भारत की देना मजबूरी है। पुलवामा हमले के बाद इस तरीके की सिचुएशन आई थी, भारत पाकिस्तान के व्यापार लगभग बंद है। तो आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्या हमें पाकिस्तान से व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खरीदता है, हम उससे बहुत कम मतलब अमाउंट लेते हैं। हालांकि व्यापार तो बड़ा छोटा होता है लेकिन इसमें भारत का फ़ायदा ही होता है और कहीं ना कहीं से हमें कोई तो पहल करनी पड़ेगी। तो ये शायद एक पहल हो सकती है, अगर पाकिस्तान ऐसी रिक्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली भारत को पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, आपको भी पता है पीठ पीछे छुरा भोंकना उसकी आदत में है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और इसी तरीके के वीडियो के लिए फिर से हमारे चैनल पर वापस आइए। धन्यवाद दोस्तों।